टीजी भेंकटेशंख अध्यक्षतारे आसिछि संसदीय टीम। टीम स आसिछंती एएसआई एडीजी आलोक त्रिपाठी ओ ओडिसा सुपरिटेंडेंट अरुण मल्लिक आसि श्रीमंदिर रे चालिथिबा विभिन्न प्रकल्पर स्थिति अनुध्यान करिछंती। श्रीमंदिर रे चालिथिबा प्रकल्प नै मत किछि रखिनथिबा बेले हाईकोर्ट रे केस विचाराधीन अछि ओ आम सार एक्ट अनुसार कार्य करा जिवो बोली मत प्रकाश करथिले। केन्द्र सरकारक संस्कृति ओ पर्यटन विभाग संसदीय कमिटी सदस्यक पुरी गस्त 22 जणिया सदस्यक गस्त श्रीमंदिर जाई महाप्रभुक दर्शन करिछंती। श्रीमंदिरर उन्नतीकरण ओ पर्यटन क्षेत्र रे विकास किपरि होई परिबो ताहा उपरे अनुध्यान करिछंती। श्रीमंदिर ऐतिह्य कीर्तिराज देखि बेस खुशी व्यक्त करथिले एई प्रार्थी मंडळी। तेबे श्रीमंदिर परिक्रमा मार्गरे विकास कार्यकु कमिटर सदस्य माने समर्थन करथिबा बेले ओ समस्त कार्य एएसआईक नियम परिधि मध्यरे हेबा उचित बोली मत रखिछंती कमिटी। श्रीमंदिर परिक्रमा प्रकल्पकु किपरि सुरुखुरे होई परिबो से विषयरे आलोचना निमते मत प्रकाश करथिले। राज्यसभा का राष्ट्रपति नियुक्त सांसद में हूँ और मेरे पूर्वज भी यहाँ आए हुए शायद आए हुए तो मैं अभी कब आए वो मुझे मालूम नहीं। शिवाजी महाराज के घराना ओडिशा में भी मराठा का कल्चर यहाँ है। मराठा नागपुर कर बोस्टे भी यहाँ आए थे तो आज जगन्नाथपुरी आके भगवान का दर्शन लेके मन तृप्त हो गए और इतना आर्किटेक्चर भी इतना अच्छा है कि एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ये मोड़ता है और एक जग से यहाँ लोग आना चाहिए ये हमारा प्रयास है। यहाँ पर टेंपल हेरिटेज कॉरिडोर बनाने जा रहा है और हाँ। उसमें एएसआई का सहयोग नहीं मिलता है तो काम में केंद्र सरकार की तरफ से राज्य सरकार की तरफ से इसकी चर्चा चल रही है तो निश्चित होना चाहिए। एएसआई की काम करने की पद्धति अलग है और एएसआई का काम संवर्धन जतन का होता है। हमारी कल्चर की कमेटी है, कल हमारी मीटिंग भी हुई थी कि जितना हो सके तो इतना स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के कोऑर्डिनेशन से जो हेरिटेज प्रॉपर्टीज़ है उनको संवर्धन जतन में सबसे प्रायोरिटी देना चाहिए और हम एक रिपोर्ट भी कर रहे हैं जो हम सेंट्रल गवर्नमेंट को पार्लियामेंट को हम पेश करने वाले हैं। यहाँ पर होना चाहिए या नहीं, मतलब हम लोग का सुविधा कॉरिडोर का नहीं, नहीं होना चाहिए ना। वर्ल्ड ये से का एक बात अलग है, वो कंजर्वेशन रिस्टोरेशन का है। जैसे तिरुपति बालाजी का उनका जो भक्त लोगों के जो सुविधा की है वैसे ही यहाँ यही होना चाहिए। इसका महत्व और तिरुपति बालाजी का महत्व एक ही है। जग से लोग यहाँ आते हैं जगन्नाथपुरी को, ये चार चार ये चार 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 धाम में ये एक धाम है। ये आपने आपने घूम के देखा है जो कार्य हो रहा है, ये जो निषिधांचल में काम हो रहा है एएसआई का बिना परमिशन के हो रहा है, ये आपने देखा है? भी लेटर भी क्या है? नहीं, वो गलत है। एएसआई का परमिशन लेके ही होना चाहिए, कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे 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 वो मैंने पूछा था वो व्हाइट क्यों लगाए वहाँ, तो थोड़ा वो थोड़ा ब्लैक स्टोन है उसको रेड कर दिया है, ये गलत बात है। क्योंकि जो ओरिजिनल है जो हेरिटेज है वो रखना चाहिए और एएसआई के कॉन्फिडेंस में लेके उसका कंजर्वेशन रिस्टोरेशन होना चाहिए। नहीं तो जैसे बाकी कोई भी यहाँ का पीडब्ल्यूडी इंजीनियर आएगा कुछ करेगा उसको कंजर्वेशन रिस्टोरेशन नहीं आता होगा, नहीं होना ही चाहिए। थोड़ा जो है कंजर्वेशन और हेरिटेज है जो रिस्टोरेशन है संवर्धन जतन है वो एएसआई के गाइडलाइंस पे ही सही होना चाहिए। तो मैं देखता हूँ ना, अभी आज तो आपने बोला इसलिए मालूम पड़े, मैं देखता हूँ कि डीजी एस जो विद्यापति मैडम है उनके पास मैं मेरी 25 को मेरी मीटिंग होने वाली है और मैं 100% में उसका क्या क्या क्यों बाकी पड़ा है क्या उसके प्रॉब्लम से मैं देखूंगा। क्योंकि मैं भी शिवाजी महाराज का वंशज हूँ और जो शिवाजी महाराज का रायगढ़ फोर्ट है कैपिटल फोर्ट जहाँ उनको छत्रपति पदवी बहाल की थी वो कंजर्वेशन रिसर्च मैं कर रहा हूँ, मैं उसका अध्यक्ष हूँ और उस हिसाब से मेरी जवाबदारी होती है कि बाकी हेरिटेज प्रॉपर्टीज जो है उनका भी संवर्धन करना। देखा जो छेद हुआ है अंदर मंदिर का अंदर जो छेद हुआ है तो वो अपने एएसआई ने उसकी दखल लेनी चाहिए। एएसआई की रिस्पांसिबिलिटी है, हमारी भी रिस्पांसिबिलिटी है एज ए रिप्रेजेंटेटिव, पर जो दोनों मिलके करना चाहिए ये मैं बोल रहा हूं। यस यस एब्सोल्युटली, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। पुरी रो कैमरामैन आशुतोष को सह रिपोर्टर भवानी प्रसाद महांती का रिपोर्ट न्यूज़ 11 ओडिशा।